नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट कॉर्पोरेट टैक्सेस, जो कि 29th अप्रैल से 3rd मई तक चलेगा। जैसे कि डिविडेंड है, स्प्लिट है, बोनस है, बायबैक है, राइट इश्यूज, इन सभी चीजों को हम लोग चेक करेंगे कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस है। बिकॉज फ्रेंड, शेयर मार्केट में होमवर्क अगर पहले से करेंगे तो पैसा कमाने का अच्छा मौका बन सकता है। टेक्निकल, फंडामेंटल एंड इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक का मूवमेंट में। ओके, सभी हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वीक जो है थोड़ा छोटा होने वाला, रीजन मैन क्या है उसके पीछे रीजन देख सकते हैं। 1st मई छुट्टी रहेगा, हॉलीडे रहेगा। एंड उसके अलावा 29th वर्किंग है, 30th वर्किंग डे है, 30th अप्रैल। एंड उसके अलावा 2nd एंड 3rd मई जो रहता है वर्किंग रहेगा, 1st आपका छुट्टी रहेगा। इसलिए आपको कोई भी ट्रेड बहुत ही ध्यान से इनिशिएट करना है। छुट्टी के पीछे रीजन क्या है वो है आपका महाराष्ट्र डे, उस दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, वेंसडे का दिन है, 1 मई 2024 छुट्टी रहेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब चलिए कॉर्पोरेट इवेंट्स की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है बिल्विन इंडस्ट्रीज, जहां पर कॉर्पोरेट इवेंट है राइट इशू, यानी कि कंपनी आपको राइट्स दे रही है, एंटाइटलमेंट दे रही है कि आप इसके शेयर को डिस्काउंटेड प्राइस में, अभी 96.80 रुपए के प्राइस में, 96.80 के प्राइस में ट्रेड करिए, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलर डेट में, आपको टाइम फ्रेम में आपको इस शेयर को खरीद के रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट ध्यान दीजिएगा 29th अप्रैल 2024 का है। चलिए पूरे डिटेल्स को चेक करेंगे। तो ये देखिए, इशू ओपन हो रहा है 13th मई, क्लोज हो जाएगा 20th मई, यानी इस समय ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डे कब तक आपको बाई करना है, तो 26 अप्रैल 2024। अगर आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो 26 अप्रैल 2024 तक इस शेयर को बाई करके रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट है 29th अप्रैल, इस दिन तक आपको इस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखना पड़ेगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएगा। कोई बायर्स रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। एंड प्लस, जिन्होंने इस शेयर को पहले से बाय करके रखा है तो ऐसा नहीं कि ये मैंडेटरी आपको ये अप्लाई करना ही है, तो बस आपकी मर्जी। आपको मन है आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं मन है आप उसको छोड़ सकते हैं। इशू का साइज है 7.24 करोड़, इशू का प्राइस है 34 पर शेयर। एंड एंटाइटलमेंट रेशियो, यानी कितने शेयर पे कितना होगा, तो देख सकते हैं। अगर आपके पास राइट एक शेयर है, एक फुली पेड इक्विटी शेयर है, उसके बदले में आप एक राइट इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आईपीओ की तरह ही अप्लाई होता है। मैंने आपको बता दिया अबाउट बिल्विन इंडस्ट्रीज राइट इशू। नेक्स्ट कंपनी आपका है एलांटस बैक इंडिया लिमिटेड। यहाँ कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपीज पर शेयर, यानी एक शेयर आपको मिलेंगे 5 रुपए। एक्स डेट है 30th अप्रैल 2024 का। सीएमपी चल रहा है काफी हाई, 10,907 का इसका शेयर प्राइस है। नेक्स्ट कंपनी आपका है 361 वैम लिमिटेड। यहाँ पर कॉर्पोरेट इवेंट है डिविडेंड को लेकर के, 3.50 रुपीज कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। देख सकते हैं 3.50 रुपए प्रति शेयर, 1 शेयर पे आपको मिलेंगे 3.50 रुपीज। एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट है 2nd मई 2024। सीएमपी है 808 रुपीज। नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी आपके लिए भागीरथा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट कॉर्पोरेट इवेंट है, यानी कि जो फेस वैल्यू है 10 के बदले में 1 हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, जो शेयर का प्राइस है उसका विभाजन हो रहा है और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर का अकाउंट बढ़ जाएगा। 1 के बदले में अगर आपके पास 1 शेयर है, डीमेट अकाउंट में क्वांटिटी आपको 1 से बढ़कर के हो जाएंगे 10, मतलब यानी कि 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। उसी रेशियो में सीएमपी जो रहता है वो डिवाइड हो जाएगा। 1928 का करंट सीएमपी चल रहा है, जब रिकॉर्डेड के समय में आप इसको चेक कर सकते हैं, उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो फिर से रिपीट करूंगा, कॉर्पोरेट इवेंट स्टॉक स्प्लिट है, 1 के बदले में 10 शेयर। रिकॉर्डेड ध्यान दीजिएगा 2nd मई 2024 का है। एंड करंट मार्केट प्राइस अभी का प्राइस चल रहा है 1928 का। नेक्स्ट कंपनी आपके लिए है निधि ग्रेनाइट्स, जहां पर बोनस इशू है, कॉर्पोरेट इवेंट है, बोनस इशू 1:1 का बोनस रेशियो बताया जा रहा है, यानी कि 1 के बदले में आपको 1 शेयर मिलेंगे। यहाँ भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, उसी रेशियो में सीएमपी भी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट ध्यान दीजिएगा 2nd मई 2024 का है। सीएमपी है 268 रुपीज। नेक्स्ट कंपनी आपके लिए है एबीबी इंडिया, जहां पर कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 23 रुपीज 80 पैसा, 23 रुपए 80 पैसा का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी 1 शेयर पे आपको मिलेंगे 23 रुपीज 80 पैसा। एक्स डेट है 3rd मई 2024, 3 मई 2024 एक्स डेट है। करंट मार्केट प्राइस है 6,410। नेक्स्ट कंपनी आपके लिए है क्रिसिल लिमिटेड, जहां पर कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 7 रुपये प्रति शेयर, यानी कि 1 शेयर पे आपको मिलेंगे 7 रुपीज। एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट है 3rd मई 2024। सीएमपी है 4,472 का। नेक्स्ट कंपनी है माफिया ट्रेंड्स लिमिटेड, जहां पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 10 पैसे रुपीज के टर्म में, 0.10 रुपीज, या फिर 10 पैसे डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, 10 पैसे। एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट 3rd मई 2024 का। सीएमपी चल रहा है 18 रुपीज 40 पैसा। नेक्स्ट कंपनी आपका ओरियंट ट्रेडलिंक, जहां पर कॉर्पोरेट इवेंट है राइट इश्यूज, रिकॉर्ड डेट है 3rd मई, सीएमपी चल रहा है 9 रुपीज 15 पैसा।
थोड़ी सी अद्भुत है, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं इशू का प्राइस 10 पर शेयर का है। लेकिन अब आज पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। इशू ओपन होगा 13 मई को, क्लोज हो जाएगा 24 मई। लास्ट डेट है 2 मई, रिकॉर्ड लास्ट डेट टू बाई शेयर, मतलब कब तक आपको बाई कर लेना है, 2 मई तक आपको बाई कर लेना है। रिकॉर्ड डेट है 3 मई। इशू का साइज है 12.27 करोड़ का फंड रेज है। इशू प्राइस 10 पेयर, 10 शेयर, 10 रुपये, 10 पर शेयर इशू प्राइस फिक्स किया गया है। एंटाइटलमेंट इशू है 1 राइट इक्विटी शेयर फॉर एवरी 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर, यानी कि एक शेयर के बदले में आप 1 राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके लिए है, वो है सनोफी इंडिया लिमिटेड, जहां पर कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 117 रुपये, 117 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। एक्सडेट एंड रिकॉर्ड डेट देख सकते हैं 3 मई 2024 का, 3 मई 2024 का। सीएमपी चल रहा है 8274 का। सो फ्रेंड, ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट एक्शंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।